बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं शाहीन बाग मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है, होली के बाद होगी अगली सुनवाई। शाहीन बाग मामले पर 23 मार्च को होगी सुनवाई। शाहीन बाग पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, पुलिस ने कार्रवाई की होती तो ऐसे हालात नहीं होते। पुलिस अपना काम करे, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा। भड़काऊ भाषण देने वालों पर पुलिस कार्रवाई करे, सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक जगह प्रदर्शन के लिए नहीं है। शाहीन बाग पर फिलहाल सुनवाई के लिए माहौल ठीक नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट से जो आ रही है वो बता रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ये जगह प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। शाहीन बाग पर फिलहाल सुनवाई के लिए माहौल ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। शाहीन बाग मामले पर 23 मार्च को होली के बाद होगी सुनवाई। शाहीन बाग पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। अमित दुबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त। अमित, आपके पास सीधे आ रहे हैं। अब शाहीन बाग मामले पर होली के बाद सुनवाई होगी, आज की सुनवाई को टाल दिया गया है। किस तरीके से माहौल को खराब देखा और साथ ही साथ सख्त टिप्पणी कोर्ट की आपके जरिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है शाहीन बाग को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जब तक हिंसा का रूप भीड़ ने अख्तियार कर रखा है, जब तक हिंसा जो है वो शांत नहीं होती तब तक मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती, पहले हिंसा को शांत किया जाए उसके बाद मामले की आगे सुनवाई होगी। और आज जब फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये चीजें थी, जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई, 18 से ज्यादा लोग मारे गए, कई सैकड़ों में लोग जो है वो घायल हुए हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, तो ये एक बड़ी वजह थी। और दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बार फिर टिप्पणी किया कि अगर पुलिस चाहती तो इस तरह की वारदातें नहीं होती, इस तरह से हिंसा नहीं भड़कती। दिल्ली पुलिस को एक बार फिर चेतावनी दी गई है, हालांकि मामले को टाल दिया गया है, मामले की अगली सुनवाई अब आगे होनी है। और सबसे बड़ी चीज, जिस तरह का माहौल है, इस तरह से शाहीन बाग को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी सार्वजनिक प्लेस को आप इस तरह से बाधित नहीं कर सकते, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जब तक कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता। और जिस तरह से शाहीन बाग में खासतौर पर कालिंदी कुंज का रोड बंद है, दूसरे तमाम लोग जो कि रोज उस रास्ते से गुजर रहे हैं उन सभी लोगों को परेशानियां हो रही है, यानी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के हनन का मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ताजा मामले को देखते हुए फिलहाल सुनवाई टाल दी है, अब मामले की सुनवाई होली के बाद आगे आने वाली तारीख में होगी। अमित, तो इसका मतलब शाहीन बाग में जो अभी हालात है, जिस तरीके धरना प्रदर्शन चल रहा है वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकारों की एक टीम बनाई थी, बीच में वो शाहीन बाग पहुंची थी और उसने बातचीत और मुलाकातों का एक दौर चला था, इसको लेकर भी कोर्ट में पक्ष रखा गया होगा, उसमें क्या कुछ खास था, क्या निकल कर आया? जी बिल्कुल, देखिए देखिए वार्ताकारों ने अपनी बात जो है वो वार्ताकारों की अगर बात करें, चाहे हेगड़े की बात करें या रामचंद्रन की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, सभी लोगों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सौंप दी और सुप्रीम कोर्ट अब उस रिपोर्ट का संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि किस तरह से लोग बैठे हुए और लोगों की साफ तौर पर मांग है, जब तक CAA और NPR वापस नहीं होता धरने प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। हालांकि यहाँ पे साधना रामचंद्र द्वारा जब इन लोगों से बात हो रही थी तो कहा गया था कि कोई और जगह चूज करें, कुछ और जगह उन्हें दिखाई भी गई है, लेकिन शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने उस जगह को सिलेक्ट नहीं किया।
तो ऐसे में जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी गई। अब चूंकि होली के बाद सुनवाई होनी है, उस रिपोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और उसके बाद उस रिपोर्ट के साथ साथ अगले मामले की सुनवाई करेगा। दूसरी बड़ी चीज की 2:15 बजे आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, क्योंकि जिस तरह से रात में हिंसा हुई और दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस मुरलीधरन ने देर रात सुनवाई की, हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें लेकर रिपोर्ट मांगी गई है, और आज 2:15 बजे जब दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करता है तो इस हिंसा मामले को लेकर तो आगे क्या कुछ टिप्पणी निकल के आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए अमित, नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।